दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे शाहबुद्दीन। LNJP में शाहबुद्दीन ने दम तोड़ा। कल शाहबुद्दीन को ICU शिफ्ट किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें, पूर्व आरजेडी सांसद शाहबुद्दीन की कोरोना से मौत। बिहार के सीवान के पूर्व बाहुबली सांसद मोहम्मद शाहबुद्दीन कोरोना से पीड़ित थे। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, सीवान के पूर्व बाहुबली सांसद मोहम्मद शाहबुद्दीन कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उनका इलाज चल रहा था और आज निधन उनका हुआ। क्या कुछ ताजा जानकारी? देखिए, 2018 में सीवान से उनको तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया था। उनके ऊपर जितने आरोप थे, उस आरोप के बाद जो पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2018 में उनको सीवान से सीधे दिल्ली के तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया था। और तिहाड़ जेल में तीन ही ऐसे कैदी थे जिनको कि अलग सेल में रखा गया था, जिनसे किसी को मिलने जुलने का आदेश नहीं था। उसमें शाहबुद्दीन भी थे। तो शाहबुद्दीन को पिछले दिनों तबियत खराब हो गई थी, तो उनको दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में दिल्ली में एडमिट कराया गया था। और जैसे कि अभी जानकारी मिल रही है कि शाहबुद्दीन का निधन हो गया है। हालांकि उनके पारिवारिक सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि वो बीती रात तक वेंटिलेटर पर थे और अभी सरकार की तरफ से कोई उनके पास जानकारी नहीं आई है। लेकिन जो अपुष्ट जानकारी है उसके हिसाब से शाहबुद्दीन का निधन हो गया है और इसको लेकर के RJD समेत सीवान में शोक का माहौल है। जी जी प्रशांत जी, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है, जिस तरीके आपने बताया कि अलग बैरक में उन्हें रखा गया था, तो सवाल ये खड़ा होता है, जब अलग बैरक में रखा गया था, किसी से मिलना जुलना उनके लिए नहीं था, जायज नहीं, मतलब उनके लिए अलाउ नहीं किया गया था किसी से मिलना जुलना, तो फिर वो कोरोना पॉजिटिव कैसे हुए? देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि शाहबुद्दीन को अलग बैरक में सिर्फ अकेले वो नहीं थे, उनके साथ छोटा राजन और नीरज बुबना भी है, जो कि बड़े ये लोग जो अपराधी हैं, इन लोगों को अलग अलग सेल में, तीन सेल में रखा गया था, जहां किसी को मिलने जुलने की आजादी तो नहीं थी। लेकिन वही अभी जेल प्रशासन, तिहाड़ जेल प्रशासन भी इसी की जांच कर रहा है कि आखिर ये लोग कोरोना पॉजिटिव, ये जो शाहबुद्दीन है, ये कोरोना पॉजिटिव कैसे हुए या किसके संपर्क में आए जिसकी वजह से ये कोरोना पॉजिटिव आए, क्योंकि जब इनको किसी से मिलने जुलने की इजाजत नहीं थी, फिर इनको कोरोना पॉजिटिव हो जाना, फिर उनको अस्पताल ले जाना, इनको वेंटिलेटर तक इनको पर रखना, ये एक बड़े सवाल है जिसका की जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। लेकिन जो जानकारी है, उस जानकारी के मुताबिक शाहबुद्दीन को तिहाड़ जेल में किसी से, अभी पिछले कई दिनों से उनके पारिवारिक लोगों से भी उनको मिलने की इजाजत नहीं दी गई थी, और ऐसे में कोरोना पॉजिटिव हो जाना ये बड़ा ही ये मुश्किल लग रहा है कि आखिर जेल में भी लोग सुरक्षित क्यों नहीं हो रहे हैं। जी बिल्कुल प्रशांत जी, एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जब अलग रखा गया था, उसके बाद भी जब कोरोना पॉजिटिव आए हैं शाहबुद्दीन और उनकी मौत हुई है, परिवारजनों से नहीं मिलने दिया जा रहा था, किसी से मिलने जुलने की इजाजत नहीं थी, उसके बाद कैसे ये पॉजिटिव आए हैं, इसके बारे में जेल प्रशासनिक अधिकारी जो है उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, अभी दिल्ली जेल से कोई इस तरह की जानकारी नहीं आ पाई है, लेकिन ये जांच चल रहा है, बड़े लेवल पर जांच चल रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस और दिल्ली जेल, ये दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत अधीन आता है, और ऐसे में जो तिहाड़ जेल है, उस तिहाड़ जेल में रहने वालों के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद होती है, वहां बिना इजाजत के कोई मिल भी नहीं सकता है। अब ये कहा जा रहा है कि या तो कोई उसमें से जो सुरक्षा प्रहरी थे उनमें से ही कोई कोविड पॉजिटिव था, जिसकी वजह से शाहबुद्दीन में पॉजिटिव हुए और उनका, उनके इलाज के लिए उनको दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था जी। और जो ये कहा जा रहा है कि आज तड़के उनकी निधन की खबर आ रही है, हालांकि उनके पारिवारिक सूत्र अभी यह मानने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि जब तक जेल प्रशासन की तरफ से उनके पास विधिवत सूचना नहीं आ जाएगी, तब तक वो लोग इस बात को कंफर्म नहीं करेंगे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जेल से उनको इलाज के लिए पिछले दिनों लाया गया था और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था, जहां वेंटिलेटर पर वो थे और कंटिन्यू वेंटिलेटर पर थे। हालांकि
सिवान में जो उनका पैतृक गांव है प्रतापपुर, वहां भी अभी गम का माहौल हो गया है, और सिवान में जो उनका शहर में उनका आवास है वहां भी लोग इकट्ठा हो गए हैं, और सारे लोग इस इंतजार में है कि जेल प्रशासन से विधिवत सूचना आ जाए, उसके बाद वो लोग बाकी की कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब परिवार वाले भी जेल की तरफ से, जेल अधिकारी की तरफ से पुष्टि करने की बात कह रहे हैं कि जब तक वहां से पुष्टि नहीं होगी तब तक परिवार वाले भी पुष्टि इस पूरी बात की नहीं करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जेल अधिकारियों से जब तक उनको सूचना नहीं मिलती है जो विधिवत होता है, और विधिवत सूचना के बाद ही फिर उनके परिवार परिजन जैसे उनकी पत्नी है और उनके बेटे हैं, ये तमाम लोग जो कैसे वो डेड बॉडी मिलती है या फिर उसका कहाँ पर क्रिमिनेशन होता है जो उनके इस्लाम में है, जिस तरह से उनको मिट्टी देना होता है, तो वो दिल्ली में होता है या सिवान में होगा, ये सब चीजें तो आगे देखने की बात होगी। लेकिन ये तब इसी पर डिपेंड करता है कि जब तक जेल प्रशासन पूरी तरह से इस मामले को कंफर्म न कर दे और परिवार को विधिवत जानकारी न दे दे, तब तक परिजन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो इस दौरान एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि शहाबुद्दीन किस तरीके से कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, इस पूरे मामले पर अब जांच की जाएगी और कहीं ना कहीं परिवार वाले भी इस बात की पुष्टि की बात कर रहे हैं कि जब तक जेल अधिकारियों की तरफ से पुष्टि नहीं होती, विधिवत सूचना नहीं मिलती है, तब तक वो पुष्टि नहीं करेंगे।